Good morning, students. Today I am going to tell you about the jumbled words, how to solve that words. कोई भी words दिया रहता है उसे आप correctly कैसे कर सकते हो. और यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी आपको यहाँ पे alphabets जो arranged नहीं होते हैं उसे आप किस तरीके से arrange कर सकते हो easily, that I am going to tell you. सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है K D I S. अब इसे हम करेक्ट वे में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि हमें इस जो बिना अरेंज किया हुआ जो अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे वो अरेंज करने पे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें लगता है कि D होना चाहिए, तो D को हम यहाँ कट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, D. After doing this, we want to write I. You will cut here and you will write it down here, I. After this, we want to write S. So you will cut here and you will write it down here, S. The last one here it is K. So we will put it here, K. तो ये क्या word बन गया, disc. यानी ये हमारा क्या है word, सही है. So we will write this word here, disc. D I S K. Let us take the second example also. T D A A. अब इसे कैसे करना है, हमें लगता है जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए दैट इज D. We will cut here and we will write it down here D. After that A, then we will cut there and we will write it down here A. ए लिखने के बाद क्या लिखना है, टी. वी विल कट हियर एंड वी विल राइट इट डाउन हियर. बच गया क्या, ए. ये क्यों करते हैं हम लोग ऐसे, आप कट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई भी अल्फाबेट्स क्या है मिसिंग नहीं है और आपको समझ में आएगा कि जो मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए इन सभी लेटर्स से वो कैसे बन सकते हैं और क्या हो सकता है. सो वी कैन डू इट इन दिस वे. सो दिस इज डेटा, डी ए टी A, data. Yes. Next it is E E S C R N. यहां पे आप लिख लीजिए E E S C R N. Right? अब इसे क्या करना है आपको, अरेंज करना है. So we will write the first one it is S, then C, then R, then double E. So first we will write E, then second E, then last one here it is N. So we will cut here and we will write it down here N. तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्रीन. सो वी विल राइट इट डाउन हियर S C R double E N, स्क्रीन. ये क्या बन गया वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, स्क्रीन. इसी तरीके से हम बाकी को भी सॉल्व करेंगे. आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि किस तरीके से मैंने किया है. नेक्स्ट इट इज X T E T. इसमें आप देख सकते हो जो प्रोनाउंसिएशन है, सो द नेक्स्ट वर्ड हियर इट वॉज, हाउ वी कैन फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड विद दिस, लेट अस सी. X T E T. आप इसका जो जब आप इसे एक एक अल्फाबेट को पढ़ रहे हो तब भी इससे एक वॉइस आ रही है जो आपको बता रहा है कि ये क्या वर्ड हो सकता है. सो लेट अस सी, टी. वी विल राइट इट डाउन हियर टी. ई यहाँ पे लिखेंगे ई, फिर एक्स तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एंड लास्ट वन इट इज टी. टेक्स्ट, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट. तो आप यहाँ पे लिखोगे टी E X T. ये हो गया आपका टेक्स्ट. ओके, इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी जो दिए हुए हैं उसे भी सॉल्व करना है. ओके, सो हियर इट इज रिटेन E I M G E. क्या बनेगा ये, लेट अस सी. I वी विल राइट इट डाउन फर्स्ट, देन M A G E, image. Okay? Here it is written Y
KES, आप इन सभी को भी जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है आप उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करोगे. सो ही विल राइट इट डाउन K, देन E, देन Y, देन S, keys. सेवेंथ नंबर है इट इज CURSOR, कर्सर. ये क्या बन गया आपका कर्सर. और कर्सर किसे हम कहते हैं, जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखाई देता है मॉनिटर पे स्क्रीन पे उसे हम कर्सर कहते हैं. नेक्स्ट इट इज हियर SHIFT, शिफ्ट. शिफ्ट की मैंने बताया ना आपको इसका फंक्शन कि इस की के साथ में हम लोग किसी और की को प्रेस करते हैं और उस की को हम लोग कैपिटल में लिख सकते हैं या फिर कोई भी सिंबल्स हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं. नाइन्थ नंबर हियर इट इज विल राइट इट डाउन नेक्स्ट TASK, टास्क. किसी भी काम को करने को हम क्या कहते हैं टास्क. नेक्स्ट इट इज ARROW, एरो. फोर टाइप्स ऑफ एरो किस आर देयर, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट. अब आपको क्या करना है, आप क्या करोगे इसे लर्न करोगे और अपने क्लास ऑफ कॉपी में लिखोगे. इसी के साथ में आपको क्या करना है, लर्न करना है चैप्टर नंबर 3, जो 3 का आपको चूज द करेक्ट आंसर यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न व्हाट द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 3. और ये हम रिविजन लेंगे, सो लर्न इट बाय हार्टली, डोंट मिस दैट, लर्न इट, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल अप ऑफ चैप्टर नंबर 3. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.